नमस्कार, क्विक इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि प्ले स्टोर का लाइब्रेरी हिस्ट्री कैसे डिलीट करते हैं, तो इस वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्ले स्टोर का लाइब्रेरी हिस्ट्री डिलीट करने के लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में प्ले स्टोर को ओपन करना है। तो चलिए प्ले स्टोर को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद ऊपर में आपको एक प्रोफाइल आइकन का ऑप्शन मिलेगा। अब आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक मैनेज एप्स एंड डिवाइस का ऑप्शन मिलेगा। अब आपको यहाँ पर जाना है। जाने के बाद आपको यहाँ पर एक मैनेज का ऑप्शन दिखेगा। अब आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से ऑटोमेटिक में यहाँ पर आपको इंस्टॉल्ड ऐप सेलेक्ट रहता है। तो यहाँ पर अगर आप इसको यहाँ से अगर सेलेक्ट करके डिलीट कीजिएगा तो आपको फ़ोन में जो भी इंस्टॉल्ड ऐप है वो डिलीट हो जाएगा। तो सिंपल आपको क्या करना है कि यहाँ पर हिस्ट्री डिलीट करने के लिए आपको इंस्टॉल पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक नॉट इंस्टॉल्ड का ऑप्शन मिलेगा। अब आपको यहाँ पर जाना है। जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन सारे ऐप को हम इंस्टॉल किए थे, लेकिन यहाँ से फिलहाल अभी हम अपने फ़ोन से अनइंस्टॉल कर दिए हैं, लेकिन यहाँ पर हम अपने लाइब्रेरी हिस्ट्री को क्लियर नहीं किए थे तो यहाँ पर दिख रहा है। तो सिंपल आपको जिस ऐप का जो लाइब्रेरी हिस्ट्री आप डिलीट करना चाहते हैं, यानी कि आपका अपने प्ले स्टोर का लाइब्रेरी हिस्ट्री डिलीट करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ से इस तरह से बारी बारी से टिक करना है। यहाँ से आपको सभी चीज़ सेलेक्ट करने के बाद ऊपर में आपको एक डिलीट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर बॉक्स का ऑप्शन मिलेगा। अब आपको यहाँ पर रिमूव पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर से आपको रिमूव पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप जिस रिमूव पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से जो आपका यहाँ पर प्ले स्टोर का जो लाइब्रेरी हिस्ट्री था वो क्लियर हो जाएगा, यानी कि डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने प्ले स्टोर का लाइब्रेरी हिस्ट्री डिलीट कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।